गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा था वर्ण ज्ञान, जिसमें मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के जो दो रूप बताए थे, दो भागों में जिन्हें बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। आज उन्हीं में जानेंगे कि स्वर कौन, स्वर में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं और व्यंजन में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर मैंने स्वर और व्यंजन दोनों ही लिखे हुए हैं। स्वर जैसे कि आ आ ई ई उ उ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हो गए। इन 11 स्वर के में इन 11 स्वरों के साथ हम लोग दो वर्ण और भी लिखते हैं जो हमारे हो जाएंगे ये अंग और आह। ये हमारे स्वर हो गए 11 जिनके साथ दो वर्ण हम लोग लिखते हैं अंग आह। अब हमारा क्या आएगा व्यंजन जो कि 35 होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन कौन से होते हैं। का खा का घा ढा चा छा जा छा या टा ठा डा ढा ढा ता था ता था ना पा फा पा फा मा या रा ला वा शा। अब यहाँ पे देखिए तीन शा हमारे सा शा सा ये हो गए। अब इसका प्रयोग हम शलजम लिखने में करते हैं, इसका इस वर्ण का प्रयोग हम सरपोट लिखने में करते हैं और इसका प्रयोग हम सपेरा लिखने में करते हैं। फिर हमारा हा हा इसके बाद हमारे अतिरिक्त 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 वर्ण में हमारे दो वर्ण आते हैं डा ढा डा और ढा। ये दोनों वर्ण हमारे इसलिए भी हैं लेकिन इनका भी प्रयोग हम किस में करते हैं इसका प्रयोग हमने सड़क लिखने में किया, इसका प्रयोग इस वर्ण का प्रयोग हमने पढ़ाई लिखने में किया। ऐसे ही हमारे चार संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण जो दो व्यंजनों को मिलकर बनाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से वर्ण होते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको